तो हमारा इस पर काम करना है जो 3 ओपन सर्किट का पूरा सड़ा हुआ से दिख रहा है एकदम पूरा पिन कार्बन से सड़ गई है। ठीक है, ये सोरा गाड़ी पूरा भी ठीक है दिखाता है मतलब अभी आपको मीटर में। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज एनर्जी वीडियो। हमारी गाड़ी भी है महिंद्रा प्लाजो 31 BS4 गाड़ी है। इसमें कुछ कोड आया है, गाड़ी RPM नहीं बढ़ रहा अपना चाहता, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन ऑन हो गया है और देख सकते हैं ये है हमारा चेक लैंप पे जलाई हुआ है, ऑफ नहीं है, कोई कोड नहीं है अभी, तो कैंसिल कर रहे हैं। कोड आ चुका है, जो कोड हमारा है यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे P204 है, P0204 है। ठीक है, और तो देखते कोड है, एक ही कोड है और चेक लैंप और MIL दोनों जाना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चेक लैंप इसको बोलते हैं और MIL ऊपर में, तो फुल रेस करते हैं अभी। 11 RPM 1500 ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम मिलता है। तो वीडियो हमारे अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लगाते भी लैपटॉप, ठीक है, ये महिंद्रा का प्लाजो 31 BS4 गाड़ी है, दिखाता हूँ लैपटॉप आके। आर्मी नहीं आ रहा है इसलिए पिकअप रहा है इसमें, तो बंद बंद कर रहे हैं और लगाते हैं लैपटॉप भी। ठीक है, तो अभी मैं इसका कनेक्ट कर रहा हूँ 3.5। देख सकते हैं हमारा ये सब बहुत सारा कोड आया हुआ है, इसमें से इंजेक्टर 0/100 सर्किट है और ये बहुत सारे इंजेक्टर का कोड है। ठीक है, इंजेक्टर 3 ओपन सर्किट दिखा रहा है अभी यहाँ पे, इसका P204 ये कोड आ रहा है अभी हील्ड में है, बाकी एक जिस ओपन सर्किट ये इसका एवरेज के लिए खुला रहता है तो दिक्कत नहीं है। वही देखते क्लियर करके, ठीक है, हो चुका है और बाकी ये सारा हील्ड में रहेगा क्योंकि हमारा इसका इंजेक्टर का या मीट्यून का वायर कुछ भी कलर खुला रहता है, कुछ कुछ सेंसर और चूटर का 9600 घंटे का वायर रहता है। ठीक है, तो अभी कर रहे हैं, यहाँ पे सारा हील्ड में भी है कोड और देखते शक करके कौन सा करने में आता है। तो देखिए चेक लैंप मेरा अभी भी है, ठीक है, फट नहीं रहा ये, और वहाँ भी मेरा भी कोई भी कोड ऐसा करंट भी नहीं है। ठीक है, ये 2 HS का है, परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जिस इंजेक्टर 3 ओपन सर्किट आ गया ये रेड में, मतलब हमारा इस पर काम करना है इंजेक्टर 3 ओपन सर्किट का। ठीक है, जो हमारा 3 इंजेक्टर है 3rd नंबर का, उसका कहीं वायरिंग ओपन हो गया है या कट गया है, देखते हैं क्या फॉल्ट मिलता है हम लोग को। ठीक है, बाकी ये जो हमारा है इंजेक्टर 0/100 सर्किट, इसका वायरिंग सही शॉर्ट हो सकेगा या फिर DFC SHT जो है लिखा हुआ है ये सिलेंडर 2 का है, मतलब कहीं वायरिंग का कुछ फॉल्ट हुआ है इसमें, तो देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर आया हूँ इंजन की तरफ, जो हमारा ये 6 नोजल का 6 वायर है, तो हमारा 3 नंबर दिखा रहा ओपन और 2 नंबर भी लिखा हुआ था वहाँ पर, लेकिन तो रेड में नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी इधर भी हमारा इधर देखिए एक चीज़ दिखा रहा आपको, देखिए जो लूज है कनेक्टर पर, ठीक है, ये लूज देखिए लूज पर हिल रहा है, और इधर दिखाता हूँ मैं इधर ये 6 नंबर का, देखिए ये टाइट है पूरा, ये नहीं हिल रहा है, ये हल्का हिल रहा है, ये हल्का और हिल रहा है, और ये पूरा हिल रहा है। ठीक है, और ये देखिए हल्का और हिल रहा है, देखिए टाइट है। तो हमारा 3 नंबर का भी आ रहा है ओपन और 2 नंबर का पहले आया था लेकिन हिल्ड में है, तो देखते इसको बढ़िया टाइट करके फॉलो हो जाएगा, नहीं ये पूरा काफ़ी लूज रहेगा तो करंट छोड़ सकता है, तो इसको ठीक करना है हमको इस टाइप से। ये जैसे नहीं हिल रहा है, ये इतना हिला रहा है फिर नहीं हिल रहा है, तो इस सबसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी, अभी ये फॉल्ट मिला है मुझे, देखता हूँ करके। तो देख सकते हैं अभी मैं कपलर खोला हूँ सारा, तो देखिए ये पिन दिख रहा है आपको अंदर में, ये देखिए अच्छा इसका अच्छा ये नहीं हिल रहा था ये, और जो हिल रहा था 3 नंबर का वो दिखा रहा आपको, इसका पिन देखिए
तो ये काफ़ी कार्बन लग चुका है और काफ़ी फैल चुका है पिन अंदर से, तो हो सकता है यहाँ से प्रॉपर करंट नहीं आ रहा है। और इधर का भी पिन दिखाता हूँ आपको, देखिए इस सब के पिन के बढ़िया है, इसमें हल्का सा कार्बन लगा हुआ है एक पिन में, और इधर का भी एक पिन जो नहीं हिल रहा था उसमें बढ़िया वायर दिख रहा है, लेकिन जो तीन नंबर हमारा है इसमें देखिए कैसा दिख रहा है, ठीक है पूरा सड़ा हुआ से दिख रहा है एकदम, पूरा पिन कार्बन से सड़ गई है, ठीक है। और इधर भी देखिए दो नंबर का भी, इसमें भी देखिए जो कार्बन से लग रहा है, ठीक है। तो दो नंबर और तीन नंबर में लूज कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था, उस टाइप से ये हमारा कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, ठीक है। तभी हम लोग उसको आप अच्छे से साफ़ करेंगे और देखते हैं लगा के, देखिए पूरा हमारा ये इससे साफ है, ठीक है। बाकी जो जो साफ नहीं है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है इसका, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी साफ करते हैं, इसको लगा के देखते हैं काम मेरा होता है कि नहीं, क्योंकि इधर वायरिंग में देख रहा हूँ कहीं से इधर फॉल्ट नहीं है। बाकी जो भी दिखा मुझे यहाँ पे लूज कनेक्शन और यहाँ पे पूरा पिन सड़ा हुआ से दिख रहा है एकदम, ठीक है। तो लगा सकते देखते हैं साफ करके बढ़िया से, पेट्रोल से इसको अच्छा साफ करेंगे। अगर आपके पास वायरिंग ऐसा कनेक्टर मिलता है तो आप चेंज कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। मेरे पास है तो इसको साफ ही करके लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं अभी, ठीक है। देख सकते हैं तीन नंबर का पिन ये है, अभी साफ़ किया हूँ। तो देखिए यहाँ जो पिन हमारा है देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो पिन देखिए एक दिख रहा है बढ़िया राइट साइड वाला, और लेफ्ट दिख रहा है हल्का सा ये ख़राब से, मतलब हल्का चिपक गया अंदर घुस गया, ठीक है। तो उसको ठीक करेंगे, उसको दिखाते लगा दो, देखिए साफ लगा दिया अभी मैं, ठीक है। ये लूज़ है, इससे लॉक थोड़ा ख़राब है, बाकी साफ कर लगा दिया बढ़िया से। अभी स्टार्ट करें गाड़ी को, मारिए स्टार्ट। फुल गज कीजिए, देखिए रेस हो रहा गाड़ी पर अभी, ठीक है, दिखाता मैं अभी आपको मीटर में। तो देख सकते हैं अभी मैं ऊपर आया हूँ, तो अभी गाड़ी बंद किया स्टार्ट कर गया था अभी, तो चकलेम हट गया है और फिर से दिखा रहा स्टार्ट करके, देखिए स्टार्ट हो चुका है और अभी कोई भी चकलेम नहीं है और इस कर रहा है यहाँ पे दिखा रहा है पूरा पूरा। दिक्कत है सही हो गया, ठीक है, काफ़ी ठंडा है, इसका अंदर प्रेशर भी नहीं बना मोबाइल का, इसलिए मोबाइल के लड़ाए अभी, ठीक है। तो ऐसे तो प्रॉब्लम मिल सकता है आपको, ठीक है। आरपीआर पे जा रहा है पर 25 तक पहले नहीं जा रहा था, अभी साफ करके लगाए बढ़िया से पेट्रोल से, भले लूज पड़ रहा है उसको लेकिन वो अभी काम करेगा, क्योंकि जंग लग गया था प्रॉपर वो करंट नहीं जा रहा था। दिखाता हूँ लैपटॉप में भी, मेरा कोड जो है वो हिल्ड में आ गया, ये अभी रेड में नहीं आ रहा, यहाँ पर चला गया ऑटोमेटिक, तो दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अभी रेस कर रहा है यहाँ पे, पूरा जा रहा है अभी, और दिखाता हूँ लगता है गेम उठाते हैं, गेम उठा हुआ है ये। तो देखिए दोबारा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिखा रहा हूँ कोड, ये कोड था हमारा, अभी करंट में आ रहा था शर्ट करने पर, दिखाता हूँ दोबारा शर्ट करके। तो देखिए स्टार्ट हो चुका है और हमारा ये हिल्ड में ही है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हिल्ड में है कोई भी कोड, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। गाड़ी बंद कर लेता एक बार, से करता है वह क्लियर। तो सब हिल्ड में रहता है कोड, तो ये हमारा इंजेक्टर का और मेटिंग का जो कभी भी कोड आता है रेल सेंसर का, तो 9600 घंटे बाद हटेगा ये, इसी में ऑटोमेटिक उसके बाद हटता है ऑटोमेटिक, अभी नहीं हटेगा ये। बाकी अभी हमारा करंट में जो कोड आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाड़ी में रखे हो चुका है, तो इस तरह से वीडियो आप लोग पसंद आता है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिएगा, बहुत को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मिलते हैं।